मैं राकेश सर आप सबका फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। गाइस इसमें आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या रूट 5 एक इरेशनल नंबर है? गौर कीजिए, रूट वाला जो नंबर होता है जिसका रूट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं वो इरेशनल ही कहलाता है, लेकिन फिर भी आपको इरेशनल है और फिर से इरेशनल प्रूव करना है। तो देखिए बहुत आसान है, सॉल्यूशन लीजिए। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट अस दैट रूट 5 इज रेशनल। ओके गाइस, हम इसे रेशनल प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आपको इसका अपोजिट रेशनल लेना होता है, लेट अस दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके गाइस, तो इसे हम रेशनल ले लेते हैं। नाउ रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b। जब आप रूट 5 को रेशनल लेंगे तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b, वेयर a कॉमा b इज इंटीजर। ये दोनों इंटीजर है एंड को प्राइम नंबर है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड a वी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। गाइस हम ये लेट कर लेते हैं कि इसका जो फैक्टर है वन से ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए आप इसे इरेशनल से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब b जो है यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 नहीं होना चाहिए, तो इरेशनल अगर b 0 हो जाएगा तो ये इरेशनल होगा ही नहीं, इसलिए हम b इज नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे। ओके गाइस, अब देखिए रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा रूट 5 इंटू b इक्वल टू a। ओके गाइस, नाउ स्क्वायरिंग द नंबर, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड को आप, नाउ वी गेट, आपको मिलेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो देखिए रूट 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या मिला, 5 इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ए स्क्वायर का फैक्टर बन गया आपका 5 बी बी। ओके गाइस, तो हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो फ्रॉम थ्योरम, देखिए आप थ्योरम ले लेंगे 1.3, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स ए भी 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो वो खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। दैट्स व्हाई फ्रॉम थ्योरम 1.3 ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है ना। तो ये 5 से a डिविजिबल होगा, तो a का फैक्टर 5 निकल गया। ना आप लेट कर लो, लेट a इक्वल टू आप ले लीजिए यहाँ पर a की जगह यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 5 c रख दीजिए, है ना, लेट कर दीजिए ताकि b का भी फैक्टर 5 आ जाए, है ना। तो हम लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 5 c, दैट्स व्हाई आप इसमें पुट कर दीजिए
इसलिए क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू हो जाएगा, a की जगह आप लिख देंगे 5c², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25c², है ना। चलिए आप यहाँ लिख लीजिए, आप ना देखिए 5 को और इस 5 को कैंसिल कर देंगे, तो 5 5 25, यानी b² इक्वल टू आपके पास बच जाएगा 5c². अब देखिए b² इक्वल टू क्या, 5 × c × c, दैट मीन्स b² is divisible by 5। सो फ्रॉम थ्योरम, ये भी थ्योरम लिख देंगे, फ्रॉम थ्योरम 1.3 b is also divisible by 5। ओके गाइस, तो आपने देखा हियर ए बी हैव कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर गाइस आ गया 5 अदर देन 1। आपने देखा 1 के अलावा 5 भी इसका फैक्टर आ गया, दैट्स व्हाई इट रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, लेकिन ये गलत है, ये कंट्राडिक्टरी है गाइस, क्योंकि जो इरेशनल है लेकिन हमने रेशनल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ये जो हमने रेशनल प्रूव किया ये हमारे गलत लेट करने से हो गया, हमने एज्यूम किया कि रूट 5 रेशनल है इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इट इज हैपेंड ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस गाइस, हमने गलत मान लिया इसलिए ये उत्पन्न हो गया, है ना, इनकरेक्ट एजम्पशंस। यहां एक चीज और लिख दीजिए, इट इज बट इट इज कंट्राडिक्टरी, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, कंट्राडिक्टरी, है ना, यहाँ ये लिख देंगे बट इट इज कंट्राडिक्टरी गाइस, इट इज हैपेंड ड्यू टू आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट एजम्पशन, सो दैट रूट 5 इज इरेशनल, हमने गलत मान लिया था इसलिए ऐसा प्रूव हो गया, बट ये जो है इरेशनल नंबर ही है। तो गाइस देखिए इसमें थोड़ा सॉल्यूशन कम है लेकिन स्टेटमेंट ज्यादा है, तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेटमेंट सब आपको लर्न हो जाएगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ रूट 5 की जगह आप रूट 2 डाल सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट सेम आएगा आपका, बस आप ये नंबर चेंज करते जाएंगे, ये जो नंबर है ये आप बदलते जाएंगे, सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। 3 + 2√5 इज रैशनल, रैशनल नंबर, कहता है इट इज कंट्राडिक्टरी, हमने ये तो ले लिया, ये कंट्राडिक्टरी विरोधाभास है क्योंकि इरेशनल है और हमने इरेशनल ले लिया, तो बट इट इज कंट्राडिक्टरी, ओके। उसके बाद आप ले लेंगे कि ये जो है को प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है, तो वी कैन फाइंड को प्राइम, वी कैन फाइंड को प्राइम नंबर a, b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, b 0 नहीं होना चाहिए, एंड सच दैट 3 + 2√5 इक्वल टू a/b होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह हमें फाइंड आउट करना है को प्राइम नंबर a और b, जहां b का जो वैल्यू है 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है,
तो आप यहाँ लिख देंगे सेंस 3 + √5 = a / b, इसे अभी अरेंज कीजिए तो 2 √5 = a / b - 3, 3 को इधर लाएंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए तो 2 √5 = क्या हो जाएगा, a - 3b / b, क्योंकि यहाँ जो है ना फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये b 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1 और b का एलसीएम b हो जाएगा, तो 1 b जब b तो b 3 जब तो 3b आ जाएगा, a का यही रहेगा, तो ये हो गया। अब आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है रूट फाइव, तो रूट फाइव a - 3b अपॉन आ जाएगा, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2b। तो सिंस हियर ab इज रेशनल नंबर, ओके गाइज, दैट्स व्हाई a - 3b / 2b इज रेशनल। समझ गए ना गाइस, देखिए ए बी क्या है, ए बी जो है हमारा रेशनल नंबर है, तो दैट मीन्स a - 3b / 2b भी रेशनल होगा, क्योंकि इसमें अगर 2, 3, 4 किसी से मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा गाइस। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, है ना। सो रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया गाइस, है ना, ये देखिए हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये रेशनल है और इसी के बराबर ये है तो ये भी रेशनल हो गया, है ना। इसमें इतना ही करना है, फिर आप यहाँ लिखना, लेकिन ये तो इरेशनल था, ये कंट्राडिक्टरी है तो लिख लेंगे, बट इट हैज कंट्राडिक्शन, है ना, ये हमें विरोधाभास उत्पन्न करता है कि रूट फाइव जो है रेशनल है, ये इरेशनल है, है ना। It is happened by our incorrect assumption. हमने यहां गलत मान लिया था, इसीलिए ये प्रूव होगा assumption, so that the root 5 is irrational. Root 5 is irrational. ये हमारे गलत मान लेने से हो गया था, इसीलिए रूट फाइव जो है इरेशनल है, ये प्रूव्ड होता है गाइस। गाइस बाकी के क्वेश्चन भी इसी दोनों क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, ठीक है ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। गाइस यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।